बच्चों तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमिसर। तो बच्चों आप सभी ने 12th एग्जाम दे दिया होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, पर बेटा उससे पहले आप सभी को एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जिसका नाम है CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बच्चों जो ये CUT एग्जाम 2024 है, इसके लिए मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट 4 टिप्स लेके आया हूँ। यदि आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आसानी से फोड़ सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और कुछ ऐसे बेहद 4 टिप्स बताने वाला हूँ। यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो बेटा आपका ये समझ लीजिए कि 100% चांस बन जाता है कि आप CUT एग्जाम 2024 को फोड़ देंगे, ठीक है। अरे सर वो क्या है 4 टिप्स जल्दी बता दो ना सर। बेटा सबर का फल मीठा होता है, ठीक है, थोड़ा सबर करो, अभी बताने वाला हूँ कि वो 4 टिप्स क्या है, ठीक है। CUT आप बड़े से बड़े बेटा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो दाखिला लेने से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, वो कौन सा है, CUET, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब मैं देखिए इसमें आता क्या है, पहली बात तो इस एग्जाम में आता क्या, इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है बेटा, ये पूरा एग्जाम होता है वो हमारा 12th बेसिस होता है। कौन सा बेटा? 12th बेसिस होता है एग्जाम, 12th क्लास पर आधारित होता है बेटा। क्या मैंने बोला? जो ये बेटा एग्जाम होता है वो हमारे 12th क्लास पर आधारित होता है। जो बेटा जस्ट आप जो अभी पढ़ के आए ना 12th क्लास, जो आप 12th क्लास पढ़ के आए ना उस पर ही आधारित है ये CUT एग्जाम। वो तो CUT एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें सारे सवाल आपके क्लास 12th से आने वाले हैं, ठीक है। कुछ रीजनिंग का भी हिस्सा है जो कि बेटा क्लास 8th की मैथ से बनते हैं, ठीक है, वो भी आपका हिस्सा है। वो क्लास 8th तक की आपसे मैथ पूछी जाती है इसमें, ठीक है। अब देखो 4 टिप्स में से जो सबसे पहला टिप्स है ये बेटा सिर्फ CUT एग्जाम 2024 के लिए, सुन लो कौन सा है वो। पहला बेटा जो ये इस बार आपका एग्जाम होने वाला है ना CUT का जो बेटा एग्जाम होने वाला है वो बेटा वेरी वेरी इजी एग्जाम होने वाला है, वेरी इजी एग्जाम हो रहा है। अरे सर मजा आ गया, वेरी इजी सर, ये क्या लिख दिया आपने सर। सर आप बोल ले कैसे मालूम है, कैसे मालूम सर। बेटा ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये ऊपर से ऑर्डर आया, ये ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस बार का CUT एग्जाम बेटा वेरी इजी एग्जाम होगा। इस बार एग्जाम होगा सिंपल एग्जाम होगा, कोई इतना टफ एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चा 1 महीने टाइम दे देता है ना CUT को, वो आसानी से इसको क्रैक कर लेता है। फिलहाल आप इसको 10 दिन में भी क्रैक कर सकते हैं, यदि आपको जो मैं ये टिप्स बता रहा हूं इसको आप फॉलो करके आप 10 दिन में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा बेटा ये एनसीईआरटी बेटा बेस्ड होगा। कैसा होगा मेरे बच्चों? एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो भी हमारी एनसीईआरटी किताबें हैं सिर्फ उनमें से ही ये सारे हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो भी बेटा CUT एग्जाम 2024 में आने वाले हैं वो सब एनसीईआरटी बेसिस होंगे मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा बेटा थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बेटा? फोकस ऑन ग्रामर। क्या बेटा? फोकस ऑन ग्रामर फॉर लैंग्वेज टेस्ट। देखो बच्चों क्या बोला, फोकस ऑन ग्रामर फॉर लैंग्वेज टेस्ट। देखो जो हमारी लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसकी बेटा सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इस पे ग्रामर पर। किस पे बेटा? ग्रामर पर फोकस करना है, ये ग्रामर से ही अच्छे से अच्छे टफ से टफ क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ग्रामर को अच्छे से तैयार करके जाना है। आप जो भी 12th क्लास के एग्जाम में करके आए, जो एग्जाम में आपके आते हैं तो बेटा उसमें ग्रामर नहीं आती है, ग्रामर का पोर्शन नहीं आता है। जो हमारा CUT एग्जाम 2024 होने वाला है इसमें बेटा आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनमें से बेटा ग्रामर आने वाली है, ठीक है। क्या आएगी? ग्रामर आने वाली है, तो आपको ग्रामर पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इतना ठीक है। आप देखो आपको ये करना पड़ेगा। और फोर्थ में देखो क्या बेटा, फोर्थ जो पॉइंट है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि आप इसको नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला PYQs, इसमें बेटा बहुत सारे प्लस PYQs करने, यदि बेटा आप PYQs कर लेते, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
यदि आप इसको कर लेते हैं ना तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सीयूटी एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। तो आपको पीवाईक्यूज को जरूर करना है, पीवाईक्यूज को मेरे बच्चों जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, पीवाईक्यूज। और इसके साथ में क्या करना है आपको, इसके साथ में आपको करना बेटा जीके, जीके, ठीक है, जीके करना है, सीए अभी बताता हूँ, जीके क्या है, सीए क्या है, एंड एंड बेटा जीटी, जीटी और प्लस प्लस बेटा क्लास क्लास एट्थ की मैथ आएगी, मैथ, और इसी में ही बेटा रीजनिंग भी आने वाली है। देखो क्या है, जीके मतलब जनरल नॉलेज, सीए मतलब करंट अफेयर, एंड जीटी, जीटी मतलब जनरल टेस्ट। ये बेटा आपको एक बुक मिल जाएगी मार्केट में, आप उसको खरीद लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। जो हमारा करंट अफेयर है, करंट अफेयर है जनरल नॉलेज, ये बेटा करंट अफेयर, करंट अफेयर आप 8 से 10 महीने पुराने आपको पता होने चाहिए, 8 से 10 महीने पुराने आपको पता होने चाहिए करंट अफेयर। ये बेटा इतना चीज आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। चौथा वाला बेटा ये, और ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पीवाईक्यू से यदि आपने कर लिया ना तो आपका ये समझ लिए काम हो गया। आप बेटा पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा उसको सोल्व करिए, पीवाईक्यू करिए, जितने पीवाईक्यू करेंगे उतना आपका बेटा फायदा है। और बेटा ग्रामर के साथ आपके इंग्लिश में वो भी आता है चेक कंप्रेहेंशन, जिसमें पैराग्राफ दिए रहते हैं, ठीक है, उसको भी कर लेना, पर सबसे ज्यादा फोकस किस में देना है, ग्रामर में, ठीक है। पीवाईक्यूज को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जीके पढ़ लेना है, करंट अफेयर पढ़ लेना है, जनरल टेस्ट दे देना है, और आपको क्लास 10th की मैथ तो आती होगी, उसमें से ये बेटा रीजनिंग के भी सवाल बनने वाले हैं। तो ठीक है, ये थी बेटा, ये थी हमारी चार टिप्स है, ये थी हमारी चार टिप्स है। यदि आप बेटा इनको फॉलो कर लेते ना, फॉलो कर लेते ना इनको, तो बेटा आपका आपका बेटा सीयूटी क्रैक हो जाएगा, बेटा सीयूटी बेटा क्रैक हो जाएगा, सीयूटी क्रैक हो जाएगा, इतना बता रहा हूं। यदि आपने इन चार टिप्सों को फॉलो कर लिया, ठीक है, आशा कि आप सभी को ये चार टिप्स बेटा पसंद आई होंगी। और जो हमारे और भी बच्चे हैं जिनको सीयूटी एग्जाम 2024 देना, तो बच्चों उनके पास ये वीडियो सेंड कर दे अपने दोस्तों के पास, आपके दोस्त, आपकी जो भी दोस्ती नहीं होंगी उनके पास, सबके पास बेटा वीडियो सेंड कर दे, जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए ये चार टिप्स जो बेटा जो बेहद इंपॉर्टेंट है सीयूटी एग्जाम 2024 को यदि आपको फोड़ना है तो ये चार टिप्सों को अपनाना ही होगा मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो हालांकि हालांकि क्या है बेटो, ये आपको चार टिप्स अपनानी ही होगी, तभी आपका नीट सॉरी नीट बता रहा हूँ सीयूटी एग्जाम 2024 क्रैक हो सकता है, ठीक है। आशा है आप सभी के लिए ये बेटा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। यदि आपको पसंद आई हो ये चार टिप्स हैं तो बेटा लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और अपने छोटे भाई बहनों को बता दें हम क्लास 10th की हम क्लास 10th के लिए बेटा साइंस और मैथ को पढ़ा रहे हैं, और क्लास 12th के लिए हम बायोलॉजी का सेशन चला रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे जिनको नहीं पता है, जो भी आपके भाई बहन है उसने बता दें, उन्हें बता दें, और हमारे चैनल के साथ विजिट करिए। हमारे चैनल का नाम है बेटा प्रेमिसर, ठीक है, बहुत अच्छे से इस पर पढ़ाई चल रही है, ओके बच्चों, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, आज के इस चार टिप्स वाली क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम आपके लिए कुछ नई टिप्स या नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।